श्री सद्गुरु महाराज की जय। दशरथ जी स्वयं भोग मनु और कौशल्या शत्रुपा थी। परमात्मा सर्व समर्थ हैं, वे भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर शरीर धारण कर लेते हैं या अवतार लेकर दर्शन देते हैं, लेकिन वह उनका वास्तविक रूप नहीं होता। उनके मूल रूप के बारे में आपने सुना ही है, यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई। परमात्मा के धारण किए हुए रूप के दर्शन करके हम दुखों से पूर्णतः छूट जाएं, यह संभव नहीं। रामचरितमानस पढ़कर देखिए, महाराज दशरथ को पूर्व जन्म में भगवान ने दर्शन दिए थे। तब दशरथ जी स्वयंभू मनु और कौशल्या शत्रुपा थी। भगवान का रूप इतना सुंदर था कि वे मंत्र मुग्ध हो गए, उन्हें एक टक देखने लग गए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। अब दशरथ जी के मन में होने लगा कि क्या मांगूं? कुछ मांगते ही प्रभु वर देकर अंतर्ध्यान हो जाएंगे और तब मैं दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। क्यों न ऐसा वर मांग लूं कि प्रभु के दर्शन मुझे हमेशा होते रहें। उन्होंने प्रभु से मांगा कि आपके समान ही मुझे पुत्र हो। प्रभु दशरथ जी के मन की बात समझ गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने समान कहाँ खोजूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। लेकिन इस जीवन में तुमने भीषण तपस्या की है, इसलिए पहले शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक को जाओ और वहां बहुत समय तक सुखों का भोग करो। उसके बाद तुम्हारा जन्म अयोध्या नगरी में होगा, तुम वहां के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वही हुआ। भगवान ने उनके यहाँ अवतार लिया। दशरथ जी के सुख का क्या कहना, प्रभु ने उनके घर और बाहर असाधारण लीलाएं की। दशरथ जी को अपरिमित सुख हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद दुख न हुआ हो। दुख भी इतना अधिक कि वे सह नहीं सके और प्राण त्याग दिए। संसार में जिस वस्तु की प्राप्ति से सुख होता है, कालांतर में उसी के कारण दुख हो जाता है। संसार का यही नियम है। क्यों न हम ऐसे पूर्ण सुख की खोज करें जो अविनाशी और शाश्वत है, जिसे पाने के लिए के बाद दुख हो ही नहीं और दुखमय संसार में वापसी भी ना हो। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां से पाठ किया गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।